अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, आई होप कि यू ऑल विल बी गुड एंड फाइन। वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज़ अमजद मीर रिंद बलोच। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेफिनेटली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ही एक टॉपिक है। प्रीवियस हम अपने लेक्चर में ये डिस्क्राइब किया था कि मॉर्टगेज क्या है, उसकी फॉर्मेशन एंड उसके एसेंशियल्स के ऊपर बात की थी। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ द मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्लियर हो गया हमारे प्रीवियस लेक्चर में। अब हम मॉर्टगेज के काइंड्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से काइंड्स हैं मॉर्टगेज के। तो टॉपिक पे चलने से पहले, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आप हमारी जो सीरीज़ में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, और प्रीवियस जो भी हमारे लेक्चर्स हैं वो भी आप इजीली वॉच कर सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देयर आर सिक्स काइंड्स ऑफ द मॉर्टगेज। मॉर्टगेज के जो काइंड्स हैं वो छः हैं। आज हम इंडिविजुअली उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला पहला जो टाइप है मॉर्टगेज का वो है सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज क्या होता है? मॉर्टगेज तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर के मॉर्टगेज यानी कि का कोई चीज़ गिरवी रखना, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के पास गिरवी रखना लोन के बदले या कर्ज़े के बदले या अदर हमारे जो पेक्यूनरी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनके बदले रखना। तो आज उनके काइंड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले है सिंपल काइंड, सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज इज़ अ डेट मॉर्टगेज इन विच द ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इज़ नॉट ट्रांसफर्ड, पोजेशन इज़ नॉट ट्रांसफर्ड एंड द डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो नॉट ट्रांसफर्ड। इस मॉर्टगेज में ना ही हम अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करते हैं, ना ही पोजेशन देते हैं, और जस्ट एक दो डीड्स बनती हैं इसमें सिंपल मॉर्टगेज में, जो एक मॉर्टगेजर के पास होता है होती है और दूसरी मॉर्टगेजी के पास होती है। ये जो सिंपल मॉर्टगेज होता है वो जस्ट यू नो द ऑलमोस्ट इन क्लोज रिलेशंस में होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स में होते हैं। कैसे होते हैं कि जस्ट सपोज अगर आपका एक फ्रेंड है, आप दो आपस में बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, तो आपको अपना फ्रेंड कहता है कि भाई मुझे 50,000 की नीड है, आप मुझे 50,000 दे दें और मेरा 1 लेख का प्लाट है या बिल्डिंग है या शॉप है वो मेरा है गिरवी में आपके पास, समझ लें। मतलब वो आपको ओरली कह देता है कि ये मेरा प्लॉट, अगर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा तो ये मेरा प्लॉट आप ले लेना, ठीक है। तो वो अगला फ्रेंड कहता है हाँ यार दोस्ती में तो कुछ भी चल देता है, तो वो आपको 50,000 दे देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सिंपल डीड बनी जो एक आपके पास रही और एक आपके फ्रेंड के पास रही। आगे चल के क्या होता है कि आप लोगों के बीच में कोई एनिमिटी हो जाती है या कोई रिलेशंस मतलब अच्छे नहीं रहते, तो आपका फ्रेंड कहता है कि नहीं आपने तो मुझे कोई 50,000 नहीं दिया था। तो इस वक्त आप क्या करेंगे? वो जो डीड्स आपको दी गई ये जो है ये एक सिंपल सी है, इतनी मतलब वैल्यूएबल नहीं है। वैल्यूएबल है जब आप कोर्ट में जाएंगे, इसका बहुत लंबा प्रोसेस, मतलब जब तक आपको कोर्ट अप्रूवल नहीं देगी तब तक वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। तो इसमें सिंपल मॉर्टगेज में ना अपने फ्रेंड ने आपको उसका अपने प्लॉट का पोजीशन दिया, ना ही आपको उसके डॉक्यूमेंट्स दिए, जस्ट ऐसे ही ओरे लिख दिया और डीड्स पे लिख दिया कि भाई मैं आपको ये चीज़ें अपना प्लॉट दूंगा। तो ये जो सिंपल मॉर्टगेज होता है ये मॉर्टगेजी के लिए बहुत रिस्की होता है, क्योंकि उसमें ना तो उसको प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ना ही उसको पोजीशन मिलता है। तो ये बहुत ही रिस्की होता है, जो भी मॉर्टगेजी होता है उसके लिए बहुत रिस्की होता है। दिस इज़ द सिंपल मॉर्टगेज, ठीक है। आगे चलते हैं कि दूसरा टाइप जो है मॉर्टगेज का वो है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, या इसे हम कंडीशनल सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस मॉर्टगेज में क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो नहीं की जाती, ठीक है। ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसमें जस्ट वही डीड्स बनते हैं जो एक सिंपल मॉर्टगेज में बनी। बट इस चीज़ में एक ऐसी कंडीशन ऐड की जाती है, जो भी मॉर्टगेज की डीड बनाते हैं तो उस चीज़ में एक ऐसी कंडीशन ऐड की जाती है, ऐसी शर्त ऐड की जाती है कि अगर मॉर्टगेजर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट पे करने में, या सपोज़ एक डीड में लिखा है कि भाई मैं फलां डेट पे आपको ये पैसे दे दूंगा, ये मेरी चीज़ आपके पास गिरवी है,
अगर कोई भी अपनी ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने में मॉर्टगेजर कोई भी वायोलेशन करता है या अच्छे से ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, कोई डिफ़ॉल्ट करता है, तो इस कंडीशन में वो जो मॉर्टगेजी है तो वो ऑटोमेटिकली विल बी डीम्ड एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो मॉर्टगेजी है वो ऑटोमेटिकली ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बन जाएगा विदाउट नॉकिंग द डोर ऑफ द कोर्ट। ये चीज़ एक क्लॉज में ऐड की जाती है जब भी डीड्स बनती है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में। इसमें पोजेशन ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बट एक ऐसा क्लॉज ऐड किया जाता है जिसमें ये कंडीशन लिखते हैं कि अगर मॉर्टगेजर डिफ़ॉल्ट करता है तो मॉर्टगेज जो है ऑटोमेटिकली विल बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये हो गया मॉर्टगेज बाय द कंडीशनल सेल। अब चलते हैं कि डिफरेंस क्या है सिंपल एंड कंडीशनल मॉर्टगेज में। डिफरेंस क्या है सिंपल और कंडीशनल मॉर्टगेज में? ये डिफरेंस है कि सिंपल मॉर्टगेज में हम जो सरप्लस और डेफिसिट अमाउंट है वो क्लेम किया जाता है, एंड कंडीशनल में डेफिसिट एंड सरप्लस अमाउंट क्लेम नहीं किया जाता। अच्छा, तो सरप्लस और डेफिसिट अमाउंट क्या है इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करें। प्रीवियस मैंने आपको एक सिंपल मॉर्टगेज का एग्जाम्पल बताया, तो उसमें एक चीज़ हमने डिफाइन की कि एक फ्रेंड ने उसको कहा कि मेरे पास 1 लेख का प्लाट है और आप मुझे 50,000 दे दें, मेरा 1 लेख का प्लाट आपके पास गिरवी होगा। तो होता क्या है कि वो 50,000 ले लेता है और जो उसको डीड मिली थी उसने क्लेम किया कोर्ट में और कोर्ट ने उसको अप्रूवल दे दी कि आप 1 लेख का प्लॉट सेल कर सकते हैं। अब जो मॉर्टगेजर है वो क्लेम कर सकता है कि मैंने इससे 50,000 लिया था और जो मेरा प्लॉट था वो था 1 लेख का। अब 50,000 वो अपने वहीं से निकाले और जो मेरा 50,000 है वो मुझे वापस किया जाए, तो इसके लिए वो क्लेम कर सकता है, एंड दैट इज़ नोन एज द सरप्लस डेफिसिट अमाउंट आर डेफिसिट अमाउंट। ठीक है, तो सिंपल मॉर्टगेज में हम इस चीज़ के लिए क्लेम कर सकते हैं, और जो कंडीशनल मॉर्टगेज होता है उसमें हम ये इस चीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशनल एंड सिंपल। और आगे चलते हैं, नंबर तीसरा जो है वो है यूसफ्रक्चरी मॉर्टगेज। इस मॉर्टगेज में क्या होता है, इस मॉर्टगेज में राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड, मतलब कि प्रॉपर्टी का जो राइट ऑफ यूज़ होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है मॉर्टगेजी को, यानी कि मॉर्टगेजी वो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता है। जस्ट सपोज़ कि एक बंदे ने अपना घर दे दिया किसी, जिसको मतलब बैंक को अपना घर दे दिया, बैंक का कर्ज़ा था किसी बंदे पर, वो पे नहीं कर रहा था, उन्होंने क्या किया कि ये मेरा घर है आप गिरवी में रख लें और आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो बैंक ने क्या किया कि वो अपने पोजीशन में ले लिया और उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, और उसमें से जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है, रेंट होता है या कोई ऐसा, तो वो भी मॉर्टगेजी जो यानी कि बैंक है वो ले सकती है, और उनमें से वो जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो सारा कलेक्ट करेंगे, जो भी मॉर्टगेजर के ऊपर पेमेंट था, डेब्ट था, वो सारा उस प्रॉफिट में जो जनरेट होगा उनमें से निकाल के अगर कंप्लीट हो जाएगी पेमेंट तो वो फिर आप उनको अपनी प्रॉपर्टी वापस रिट्रांसफ़र कर देंगे और उसको दे देंगे पोजीशन। तो ये हो गया हमारा यूसफ्रक्चरी मॉर्टगेज। इसमें राइट टू यूज़ दिया जाता है मॉर्टगेजी को। और आगे चलते हैं, हमारा चौथा वो है इंग्लिश मॉर्टगेज। इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या होता है कि इंग्लिश मॉर्टगेज में एब्सोल्यूटली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है मॉर्टगेजी को, उसमें डीड्स भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफ़र की जाती है, ईच एंड एवरी थिंग इज़ ट्रांसफर्ड एंड ईच एंड एवरी थिंग इज़ डन, यानी कि सारी प्रॉपर्टी ऐसे समझें कि वो मॉर्टगेजी सेल कर परचेज कर लेता है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ में ये चीज़ होती है कि अगर मॉर्टगेजर सारी कंडीशंस कंप्लीट करता है, पेमेंट, ईच एंड एवरी थिंग, देन इन द एंड क्या होगा कि वो जो मॉर्टगेजी है वो सेम प्रॉपर्टी रीट्रांसफ़र करेगा मॉर्टगेजर को, सेम प्रॉपर्टी रीट्रांसफ़र करेगा मॉर्टगेजर को। अदरवाइज इसमें सब कंडीशंस ईच एंड एवरीथिंग इज़ डन एंड प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड, पोजीशन इज़ ट्रांसफर्ड, डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आल्सो ट्रांसफर्ड, देन इन द एंड अगर सारी ड्यूटीज़ वो सही से अच्छे से परफॉर्म कर लेता है मॉर्टगेजर, देन द मॉर्टगेजी शैल रीट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजर। ये हो गया हमारा इंग्लिश मॉर्टगेज।
और उसके बाद जो आगे वाला हमारा काइंड से वो है मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स आल्सो नोन एज द इक्विटेबल मॉर्गेज। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही कॉमन है, इधर हमारे पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल है, वाइन बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ द मॉर्गेज। इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, पोजीशन तो खैर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसे कि हम जब भी बैंक से कोई लोन लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारी बैंक हमारी प्रॉपर्टी है, इसके डॉक्यूमेंट्स आप रख लें और हमें लोन दे दें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉर्गेज बाय द टाइटल डीड्स। इसमें क्या होता है कि अगर बंदा जस्ट सपोज़ मेरे पास एक अपनी लैंड है, ठीक है, 10 लाख की लैंड है, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जाके बैंक के पास जाता हूँ और वहीं पे कहता हूँ कि भाई इतना मुझे कर्ज़ा दें और ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रख लें। तो इस चीज़ में अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो बैंक जो है वो मेरी प्रॉपर्टी, वो मेरी लैंड जो है वो सेल करके अपना जो उनका पेमेंट है वो वसूल कर सकती है विदाउट नॉकिंग द डोर ऑफ द कोर्ट। तो दिस इज़ द मॉर्गेज बाय द टाइटल डीड्स आल्सो नोन एज द इक्विटेबल मॉर्गेज। ये मोस्ट कॉमन है, मतलब आम तरह से ये चलता है। और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो है एनामलस मॉर्गेज। ये वो मॉर्गेज होता है, इसमें वो टर्म्स, लाइबिलिटीज़, राइट्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो कि अदर काइंड्स ऑफ द मॉर्गेज में फॉल नहीं करती। वो सारी चीज़ें इधर इसमें ऐड की जाती हैं। इसमें मतलब वो अपनी पर्सनल कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं जो कि अदर टाइप्स ऑफ द मॉर्गेज में फॉल नहीं करते। सो दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ द मॉर्गेज, एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग इट यू मे आस्क। And keep watching our videos. Thank you very much. Inshallah, we'll be meeting again next videos.